पटना से नई दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेन की बोर्डिंग शुरू हो गई है। अभी ट्रेन जाने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही यात्री आप देख सकते हैं लाइन लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जो चिन्ह बनाया गया है उसके अनुसार जा रहे हैं। और ये अनाउंसमेंट बार बार हो रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना बेहद जरूरी है इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए। साथ में यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है सामानों का, जो लोग सामान लेके जा रहे हैं, और इसके आगे जाने पर फिर स्क्रीनिंग की जाती है। 2 काउंटर बने हुए हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग कराने के, और उसमें हर एक प्रत्येक यात्री की स्क्रीनिंग करने के बाद ही वो व्यक्ति ट्रेन में सवार हो सकता है। तो कुल मिलाकर सावधानी काफ़ी बरती जा रही है कि किसी प्रकार से इस संक्रमण का फैलाव ना हो सके और सुगमता से यात्रा भी हो सके। लेकिन हम आपको बता दें कि कई लोग ऐसे थे जो लगातार लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ रही थी उससे काफ़ी मायूस थे, और उन्हें लग रहा था कि पता नहीं वो अपने जगह पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं जो होली में ही आए थे घर और होली के बाद जा नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका परिवार दिल्ली में है और वो किसी काम से पटना आए और यहाँ लॉकडाउन में फंस गए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं इन यात्रियों के पीछे, ये कि 50 दिन उन्होंने कैसे गुजारे और किस तरीके से वो फिर उन्हें एक आशा की किरण जगी, और जो आप कह सकते हैं कि एक यात्रा करने का इतने दिनों के बाद अचानक अवसर मिल रहा है तो एक रोमांच भी है और परिवार से मिलने का एक मन में एक उमंग भी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ये ट्रेन है, यही ट्रेन जाएगी जिसमें एसी थर्ड के 9 डब्बे लगे हैं और 7 डब्बे जो हैं एसी सेकंड क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास के 2 बोगी हैं इसमें। तो 1400 से अधिक यात्री इसमें यात्रा करके नई दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यात्रियों के चेहरे पर एक संतोष देखा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि ये अवसर जो रेलवे ने उन्हें दिया है वो इसकी काफ़ी अरसे से इन्हें तलाश थी और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से, हालांकि कई लोगों ने लगातार प्रयास भी किए कि किसी तरीके से वो दिल्ली पहुँचे या अपने परिवार के पास पहुँचे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब ये ट्रेन एक माध्यम बना है इनके इन तमन्नाओं को पूरा करने, इनके परिवार के लोगों से मिलने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।